ठीक बात है, हारूकी साहब ने बहुत रोचक ढंग से खाने की हमारी संस्कृति जिन सभी चीजों से मिलकर बनती है, चाहे कपड़े हो, चाहे धर्म हो, चाहे रीति रिवाज वाले लोग लेके आए थे उसको। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मक्की है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ मैं बैठ के याद कर रहा था, जो दो त्योहार ऐसे है जहाँ भगवान के भोग मक्की की बनी हुई चीजों का लगता है। और मक्की तो विदेश से आई है, मतलब भारत की चीज नहीं है। तो जब हमारे पुरखों ने एक विदेशी खाद्य पदार्थ को अपने भोजन अपनी भोजन परंपरा में इतना शामिल कर लिया कि भगवान के भोग लगाया जा सकता था, तो हम कौन होते हैं कि किसी का फ्रिज खोल के चेक करें कि इसमें कौन सा वाला है। कोई सा हो, हमें क्या लेना देना। चूंकि साहित्य का मामला है तो मुझे दो किताबें याद आ रही है, इससे पहले कि पाठक साहब आए दो किताबों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक किताब है समुद्र पर हो रही है बारिश, जगुड़ी जी के मित्र हैं नरेश सक्सेना, उनका कविता संग्रह। उसमें एक छोटी सी कविता वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जल्दी से। कविता का शीर्षक नहीं सुनाऊंगा, नहीं बताऊंगा। घर से सारी पत्रिकाएं और अखबार हटा दिए कि कहीं उन पर नजर ना पड़ जाए, रेडियो और टीवी के कनेक्शन काट दिए कि कहीं खबरें ना आने लगे उसी वक्त, लेकिन घर में जले हुए गोश्त की बू है, इसका क्या करें। गोश्त जरा सा लग गया रसोई में और एक मुसलमान दोस्त आने वाले हैं खाने पर। तो ये तो नरेश सक्सेना की कविता थी। और दूसरा एक किताब का और जिक्र करना मुझे जरूरी लगता है, वो किताब अभी बहुत चर्चा में रही है। उसके लेखक है थॉमस हांसदा शेखर, आदिवासी हैं झारखंड के। उन्होंने एक किताब लिखी थी अंग्रेजी में कहानियों की, जिसका शीर्षक था आदिवासी विल नॉट डांस। और उस किताब पर झारखंड की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। पेशे से डॉक्टर हैं हांसदा शेखर, उनको सस्पेंड कर दिया नौकरी से, मुझे नहीं मालूम अभी वो किस स्थिति में। उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है आदिवासी नहीं नाचेंगे के नाम से। उस संग्रह की पहली ही कहानी इसी बात पर है जिस बात पर फारूकी साहब ने बड़ा जोर दे के कहा है। ये अगर हम विविधताओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, और विविधताओं का सम्मान तो सबसे, ये तो बात की बात है कि हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मनाएंगे, सबसे पहले तो पड़ोसी के खाने पर तो बुरी निगाह न डालें। बहरहाल अब मैं पहाड़ वाले शेखर पाठक जी को आमंत्रित करूंगा। शेखर पाठक के बारे में यहाँ बताना मूर्खता जैसा होगा, लेकिन मैं इतना सा बता देता हूँ कि बहुत अच्छी पत्रिका पहाड़ के नाम से आप निकालते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपने लिखी है, बहुत सारे काम किए पाठक साहब।